तो नेक्स्ट है आपको बैकएक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका बेबी ग्रो हो रहा है तो पूरा का पूरा जो प्रेशर होता है वो पेल्विक एरिया पे होता है। तो इससे ये तो इनिशियल स्टेज ही होता है। मैंने फर्स्ट से ही बताया था बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इनिशियल स्टेज से, आपके टिल डिलीवरी तक रहता है, और कुछ मदर्स को आफ्टर डिलीवरी भी ऐसा फील करना पड़ता है बैक पेन की, और लोअर एब्डोमेन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती ही है। इचिनेस अराउंड द एब्डोमेन, इचिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है मदर्स को वो प्रेगनेंसी में? देखिए, बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है इचिंग की प्रॉब्लम होना, ये नॉर्मल है। क्योंकि हम जैसे जान रहे हैं मंथ बाई मंथ हमारा बेबी ग्रो हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारा बेबी का साइज भी बड़ा हो रहा है, जिससे हमारी एब्डोमेन जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, यूटेरस बड़ा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो हमें आउटसाइड भी हमारी बेबी बम्प शो हो रही है। तो उसके लिए जो आपका जो एनलार्ज यूटेरस है वो ऑलमोस्ट वो बड़ा होता जा रहा है, वो फीटस जो है वेल डेवलप हो रहा है, जिसके वजह से आपकी जो स्किन है वो स्प्रेडिंग आउट होती है, थोड़ी और भी स्प्रेड होती है, जिसके वजह से स्ट्रेचिंग और स्ट्रेच मार्क्स, ऐसे सारे सिम्टम्स आपको मार्किंग के साइन दिखाई देते हैं बेली पे। तो इसके लिए ये मोस्ट कॉमन ही एक साइन होता है, और इसमें मदर को ऐसा थोड़ा हेजिटेट फील नहीं करना है, क्योंकि क्यों ऐसा इचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है? इचिंग की प्रॉब्लम आपके डेवलपिंग बेबी के वजह से हो रहा है। और इसके लिए आप रिलीफ कैसे कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल भी इजीली मसाज कर सकते हैं अपने एब्डोमेन पे। इनकी प्रॉब्लम से रिलीफ के लिए पैराफिन फ्री कोकोआ बटर और एलोवेरा की मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन ही प्रोसेस होता है, आप इजीली इसको एब्डोमेन और बेली पे थोड़ा सा लगाइए आफ्टर बाथ, जिससे आपकी जो एरिया है वो हाइड्रेटिंग और मॉइस्ट रहे और आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। और ऐसा अगर हो रहा है आपको बहुत ही, अगर इरिटेबिलिटी करती है इचिंग की प्रॉब्लम, तो आप अपनी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर सकती हैं। बट ये मेरे हिसाब से टोटली नॉर्मल है, ऐसा मुझे भी हुआ था, और आपके बहुत ही स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो इससे आप रेकमेंडेड ऑयल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू से आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं। सो नेक्स्ट सिम्टम्स है हमारा इनसोमनिया। कुछ मदर्स अपनी प्रेगनेंसी में इनसोमनिया को भी फेस करती हैं, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। कुछ मदर को रात में अच्छे से नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि कभी बेबी का थोड़ा क्विक मूवमेंट रहता है, कभी उसके साथ आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ऐसी सारी प्रॉब्लम आपको होती है। ये पूरा हार्मोनल चेंजेस के वजह से ही होता है, जिससे आपको ऐसी सारी जो परेशानियाँ होती हैं उनसे फील करना पड़ता है। और मम्मी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से, एंड आपको जैसे कि लेग में क्रैम्प हो रहे हैं, लेग बैक एक और बॉडी पेन होता है, जिससे भी मदर अपनी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती है प्रेगनेंसी में। सो इसके लिए आपको एक एडवाइस है कि अगर आप अच्छी नींद थोड़ी लेना चाहते हैं, थोड़ी एक छोटी नैप भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जब भी अपना डिनर करें 2 to 3 आवर बिफोर ए बेड टाइम, जब बेड से जाने से पहले ही आप अपना डिनर कर लें 2 से 3 आवर्स, तब आपका थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा वॉक भी कर सकती हैं, जिससे आपको फूड डाइजेशन में हेल्प होगी। उसके साथ आप प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल होके थोड़े कंफर्ट मोड में बैठिए, फिर उसके बाद आप बेड पे जाइए। या आप दूसरा कर सकते हैं, बेड रिचुअल्स कुछ होते हैं जो बेड टाइम के रिचुअल्स, जैसे कि आप थोड़े से कुछ स्टोरीज बुक आप रीड कर सकते हैं, उसके साथ आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ जैसे काम म्यूज़िक हो सकते हैं वो, या डिवोशनल म्यूज़िक होती हैं जो आपको अच्छा लगे, एज यू लाइक, वो आप कुछ भी सुन सकती हैं, जिससे आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो और आपकी जो स्लीपिंग की पैटर्न है एक बन जाए। उसके साथ आप लाइट जो योगा एक्सरसाइजेस बेड टाइम के होते हैं वो भी कर सकती हैं, पर प्रायर टू कंसल्टिंग ऑफ योर डॉक्टर मैं योगा के बारे में और इसके बारे में कहूँगी, जैसे कुछ आप एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि सारे एक्सरसाइजेस जैसे कि टाइम टू टाइम ही डिफर करते हैं, कौन से एक्सरसाइजेस आपको कब करने होते हैं। रिलैक्सिंग ब्रीदिंग योगा ये भी कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा रिलैक्स फील करे, और आप इजीली जो आपको थोड़ी ब्रीदिंग शॉर्टनेस की प्रॉब्लम भी होती है, सो उससे आप रिलीफ पा सकें। और इसके साथ ही
आप जो वॉर्म वाटर बॉथ है कर सकते हैं बिफोर बेड टाइम, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स फील हो और थोड़ा सा बॉडी में जैसा पेन वेन होता है वो पेन भी थोड़ा कम होता है। तो ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो थोड़ा आपको रिलीफ होगा और आपकी थोड़ी नींद बेटर होगी। सो इस टाइम पे बेबी जो है फुट लॉन्ग इतना साइज हो जाता है और बेबी की डे बाई डे बहुत ग्रो होती है, तो और सारे फंक्शंस भी बहुत ईजीली बहुत रैपिड ही ग्रो होते हैं। उसके साथ बेबी की जो वाइट ब्लड सेल्स से वो भी बन जाती है और फाइटिंग अगेंस्ट जैसे अदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस और इन्फेक्शन से, तो वो सारे फंक्शंस की भी बेबी के रेडी हो जाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे बेबी की जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड्स करती हैं कि कितने सारे हेयर्स आएंगे। जैसे बहुत सारी बेबी में हेयर ग्रोथ थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो किसी में थोड़ा कम होता है। कुछ बेबी जो बर्थ के टाइम पे जैसे कि हैवी ऑफ फेटल डेवलपमेंट एट द 6 month ऑफ प्रेगनेंसी। सो 6 month ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस की कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे हमने बात किया था कि बेबी की रैपिड ग्रो वो होती है, तो बेबी डे बाय डे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग और उसकी रैपिड ग्रो होती है। उसके साथ बेबी की जो ऑलमोस्ट ऑर्गन भी होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बट जो लंग्स होता है वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ रहता है और उसकी फंक्शंस भी जो रहती है वो पूरी मैच्योर नहीं रहती हैं। और इसके साथ आपको बेबी की हार्ट बीट है, जो मूविंग है, जो उसके साथ ट्विस्टिंग टर्न्स है, वो बेबी की आप इजीली फील कर सकते हो, क्योंकि बेबी का जो उनका जो मूवमेंट रहता है वो बहुत क्विक मूवमेंट रहता है और वो इजीली आउटसाइड के जो साउंड्स भी होते हैं वो बेबी इजीली हियर कर सकते हैं इस टाइम पे। क्योंकि ये थोड़ा सा जो मंथ होता है वो बेबी को थोड़ा डे बाई डे स्ट्रांग बनाता है और उसके साथ ही बेबी की जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग रहती है, सुनना है क्या करना है, वो सारे बेबी के थोड़े डेवलप हो जाते हैं। तो बेबी इजीली कुछ भी लाइट पे या किसी साउंड पे भी उसका इजीली रिएक्शन रहता है और जो हमारी जो लाइट की भी जो सेंसेस होती है वो बेबी की, वो लाइट के सेंसेस को भी बेबी फील कर सकता है। और इसके हेयर ग्रोथ है वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स अब बहुत से बेबी ऐसे बॉर्न होते हैं जो लॉर्ड्स ऑफ हेयर के साथ, एंड कुछ बेबीज ऐसे भी होते हैं और जो बाल भी होते हैं, बाल बिल्कुल नहीं रहते हैं, बट ये एक नेचुरल है। सारे बेबीज डिफेंड करते हैं, सारे बेबीज भी डिफरेंट होते हैं और सारी मदर की प्रेगनेंसी में सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं और हर एक बेबी यूनिक होता है। किसी बेबी से हमें कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो हमने इस प्रेगनेंसी में जाना कि मदर में क्या क्या चेंजेसेस होती हैं और बेबी में क्या क्या चेंजेसेस होती हैं, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हमने जाना, बेबी की ऑल द ऑर्गन्स जो कितनी रैपिड ग्रो कर रही हैं, बेबी की कैसे मैच्योर फंक्शंस हो रही हैं सारी ऑर्गन्स की, ऐसी सारी हमने बातें इस टॉपिक में कवर की। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।